तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल तक देश की जनता को धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है, साथ ही कांग्रेस की खामियां को भी गिनाया। आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 60 साल राज किया और 60 साल में जनता को धोखा दिया, हर वर्ग को धोखा दिया और सत्ता की, लेकिन सत्ता सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए की, समाज और देश के लिए नहीं की। इसलिए देश में 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाई, एक पक्का मकान नहीं बना पाई, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाई, एक घर में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई और पूरे देश को भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। और इसलिए ये जो पिछड़े वर्ग की नौटंकी कर रही है, हम पूछते हैं कांग्रेस के नेताओं से कि 60 साल में क्यों नहीं दिया पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया है और 27% का आरक्षण केंद्र में दिया है। इन्होंने 8 मार्च को 19 को चुनाव जीतने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए एक नौटंकी की थी और 2 दिन बाद ही उस पर स्टे लगा और 19 मार्च 2019 को स्टे वेकेट हो गया। कांग्रेस की तरफ सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, न तो एडवोकेट जनरल खड़ा हुआ, नहीं न कैवियट लगाई और अब नौटंकी कर रहे हैं कि 27% आरक्षण दो, प्रदेश सरकार कार्यवाही करें। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब और हर वर्ग का सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। हमने सामान्य निर्धन आयोग भी बनाया है, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 10% आरक्षण उनको भी दे रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग को भी ईमानदारी के साथ, हमारी नीयत अच्छी है और केंद्र सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है, हम पूरी तरह से 27% आरक्षण दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर कमलनाथ, अच्छा ये बताओ, आप सब साक्षात्दर्शी हैं कि हंगामा किसने किया, विधानसभा किसने नहीं चलने दी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था कमलनाथ के पास और इसलिए कांग्रेस ने हंगामा करके विधानसभा स्थगित कराई।